एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट पिंकी स्विंचर वेल फ्रेंड्स आई होप ऑल आर डूइंग वेल गाइस आज है फ्राइडे आज भी मैंने एक ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया हूँ एंड अभी इवनिंग का टाइम ही है तो आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ बने रहना। मैं क्या क्या करती हूँ क्या नहीं आपको सारे ही वीडियो में मैं दिखाऊंगी। जो है प्रीशा ने अभी सो गए हैं तो मुझे थोड़ा सा अभी रिलैक्स मुझे अभी मिला एंड मैं अभी और जो भी काम है अभी मैं खत्म कर लूंगी और आपको भी मैं दिखाऊंगी अभी क्या क्या करती हूँ। ये शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ही देखना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके पास बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आप वीडियो को सबसे पहले ही देख सकते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी प्रीशा का रूम में हूँ एंड उनका रूम का हालत वो अभी क्या कर दिए है एंड ये सारे यहाँ पे ना पूरा पानी गिरा दिया है तो मैं ये पानी और ये सारे को भी क्लीन कर दूंगी ताकि वो उठने के बाद अच्छे से वो खेल पाएंगे। तो गाइस किचन जो है मेरा ऑलमोस्ट क्लीन है, बस यहाँ पे ना आफ्टरनून का कुछ बर्तन है मैं अभी इसको सफाई कर लूँगी देन उसके बाद मैं आपके साथ मिलती हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को धो दिए हैं एंड यहाँ पे बर्तन का पूरा दुकान हो गया है। इसको अभी मैं सेट कर लूँगी कहाँ पे क्या रखना है। सो गाइस मैंने किचन को पूरा साफ कर दिए हैं और जो भी लंच का जो खाना जो था लेफ्टओवर खाना उसको मैंने रख दिया है साइड करके और सारे जो बर्तन हैं सब कुछ क्लीन कर दिया हूँ और रात में जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो बर्तन बाहर निकलेगा वो सारे मैं रात में ही क्लीन करके सो जाऊंगी। ऐसे ही मैं करती हूँ ताकि सुबह मुझे मतलब बर्तन धोने के लिए और नहीं पड़ता, काम थोड़ा सा कम हो जाता है एंड उसके बाद और क्या काम मेरे लिए आता है अभी मैं देखती हूँ। वीडियो में बने रहना एंड तक। गाइस अभी जो है और एक काम भी मेरे लिए आ गया है क्योंकि 3 बजे से ही हस्बैंड ने बाहर जाके थोड़ा सा वेजिटेबल्स लेने के लिए, वेजिटेबल्स तो लेने के लिए एक्चुअली नहीं गए थे बट लेके आ गए हैं वेजिटेबल्स। और क्या क्या थोड़ा सा है मैं अभी तक भी नहीं दिखाऊँ क्या क्या है क्या नहीं, मैं अभी देखूंगी जाके क्या क्या लेके आए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना, क्या 7 डेज 8 डेज अभी हो गया, प्रीशा का डायपर ही खत्म हो गया था तो डायपर मैंने ऑर्डर कर दी थी अमेजन से बट अभी ड्यू टू कोविड इतना ज़्यादा ही उन लोगों ने लेट कर दिया। आज ही फाइनली उनको मैंने भेजा कि जाके लेके आओ। भी जो क्या क्या लेके आए हैं क्या नहीं मैं आपको दिखाती हूँ एंड उसको मैं अभी ही सैनिटाइज कर लूँगी क्योंकि प्रीशा अभी सोए हैं तो मुझे थोड़ा सा अभी रिलैक्स है और भी अभी कुछ काम नहीं है क्योंकि रात में भी टाइम नहीं मिलेगा एंड अभी ही मैं सारे को क्लीन करके रख दूंगी ताकि रात में वहां से मैं कुछ यूज भी कर सकती हूँ एंड जैसे कि 12 आवर में रखती हूँ बाहर से जो भी आता है 12 आवर 24 आवर बट वहां पे ना कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी है, पनीर वगैरह है शायद कुछ उन्होंने बोल रहे थे तो उसको भी मैं अभी फ्रिज में ही रख दूंगी ताकि खराब नहीं होगा एंड वेजिटेबल्स भी रख दूंगी अब अच्छे से क्लीन करके और आपको भी मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्या क्लीन करती हूँ बाहर का जो भी चीज आता है। तो इसीलिए उन्होंने शायद एप्पल लेके आए हैं कि क्या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं अभी देखती हूँ क्या है क्या नहीं है और आप मेरे साथ बने रहना वीडियो के एंड तक। मैं आपको चलिए वीडियो में ही दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे है थोड़ा सा कुछ वेजिटेबल और यहाँ पे कुछ चीज़ है तो एक्चुअली ये 3-4 आवर अभी हो गया ना उनको रखने के लिए और बाहर ही था आउटसाइड ही था तो अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने आके यहाँ पर रख दिए थे। मैं अभी इसको दिखाती हूँ क्या क्या है। Oh.
Thank you.
सो गाइस, अभी मैं किचन में भी आ गया हूँ और ये मैं प्रीशा के लिए बना रही हूँ ओट्स छिला। तो इसमें से मैंने ओट्स डाल दिया एंड बेसन भी डाला, देन उसके बाद जो सारे वेजिटेबल है ऑनियन और टमाटर, मटर, गाजर, और इसमें से ग्रेट करके मैंने पनीर को भी डाल दिया एंड एक टेबलस्पून में अभी दही भी डालूंगी, देन और सारा मसाला भी मैं अभी डालूंगी। ये मैंने डाल दूंगी अभी कॉर्ड, बहुत कम ही मैंने डाला कॉर्ड, एंड उसके बाद मैं इसमें से जो मसाला है ना ये सारे डालूंगी, नमक बच्चों को देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी ये है, ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही मैं डालती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, देन ये सारे को मैं अच्छे से मिला के इसमें से अभी मैं डाल दूंगी पानी। मैं उनके लिए भी सीख बनाऊंगी, तो बहुत कम ही मैंने किया। कंसिस्टेंसी जो है आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने इतना ही रखा। अभी पैन को गरम करूंगी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पैन जो है गरम अभी हो गया है। मैं इससे अभी थोड़ा सा तेल डालूंगी, ये जो बैटर है इसको मैं अभी डालूंगी, छोटा छोटा करके ही मैं डालूंगी। होने के लिए अभी छोड़ दूंगी इस टाइम। सो गाइस, देखिए आप ये इंस्टेंट ओट्स छिला पिज्जा के लिए मैंने बना लिए हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये हुआ है, ताकि वो अच्छे से खा सकेंगे खुद ही, ये जो है ना ये खुद ही खा सकेंगे, तो मैं अभी इसको दे दूँगी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैंने रोटी भी बना लिए है एंड प्रीशा के लिए भी खाना भी बना दिए है, एंड ये जो है मैं अभी बनाऊँगी चिली पनीर। एंड यहाँ पे मैंने चिली पनीर के लिए एक ही प्याज को ऐसे साइज में मैंने कटा है, और यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, एंड ये है लहसुन, एंड ये है हरी मिर्ची, एंड ये थोड़ा कोरिएंडर लीव्स, एंड ये जैसे कि आप देख सकते हैं पनीर, ये मैंने बना दिए हैं। एक चाइनीज का जो सॉस होता है ये इसमें से मैंने डाला, टमाटर सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस एंड सोया सॉस, देन ये सारे को अच्छे से मैंने मिला के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इस टाइप का कर दिया हूँ। कम ही ऑयल में यूज करूँगी, डाल दिया गार्लिक, देन उसके बाद तुरंत ही मैं डाल दूंगी ये ग्रीन चिली, ये हरी मिर्ची, एंड उसके बाद नेक्स्ट में ऐड कर दूंगी ऑनियन। एक्चुअली ना चिली जो चीज जो होता है चिली में ना, मैं ज्यादातर ये जो प्याज हो टमाटर हो उस सारे को ना बहुत ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, ऐसे ही मैं कच्चा कच्चा ही रखती हूँ, ताकि थोड़ा क्रंची लगेगा एंड अच्छा भी लगेगा इसलिए। एंड उसके बाद मैंने अभी ऐड कर दिया हूँ टमाटर, एंड यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी ये जो सॉस मैंने बनाया था ना चाइनीज का सॉस, ये जैसे कि देख सकते हैं ये थोड़ा कुछ टाइम के लिए ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं अभी डालूंगी नमक, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ग्रेवी है ये अच्छे से भी बन गया है। मैं अभी इसके ऊपर डाल दूंगी पनीर है, पनीर को डाल दूंगी, ये इंस्टेंट रेसिपी है। आप सपोज इंस्टेंट कुछ करने के लिए टाइम नहीं होता है, इंस्टेंट कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे ना आप देख सकते हैं मेरा जो चिली पनीर है ये बन के रेडी है, ये भी हो गया। मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, ये पूरा फ्रेश है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कितना अच्छा सा ये कलर दिख रही है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा चाइनीज वाला एक खुशबू आ रही है। इजी है ना, बहुत सिंपल रेसिपी है, आप चाहें तो इसको घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक ब्लॉग में। तो गाइज मैंने वीडियो एंड भी कर दिए थे बट एक लोगों को आपने बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इसीलिए मैं अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए रिशा, रिशा हाय कर दो बाबू। आई होप कि आज का वीडियो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय, अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।